आईपीएल 2022 को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है और ये खुशखबरी है मिस्टर आईपीएल को लेकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मिस्टर आईपीएल यानी कि सुरेश रैना। सुरेश रैना आईपीएल 2022 में एंट्री करने वाले हैं और वो भी अलग अंदाज में। अब उनका अंदाज क्या होगा और आईपीएल 2022 में वो किस भूमिका में नजर आएंगे, ये सारी बात आपको हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल 12 और 13 फरवरी को आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन हुआ और इस मेगा ऑक्शन में 600 खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई थी और बोली लगने वाली इस लिस्ट में सुरेश रैना का नाम भी शामिल था। लेकिन मिस्टर आईपीएल के फैंस को झटका तब लगा जब सुरेश रैना के लिए कोई खरीदार नहीं मिला और मिस्टर आईपीएल यानी कि आईपीएल का सबसे बड़ा चेहरा अनसोल्ड रह गया। वही रैना के अनसोल्ड रहने पर फैंस ने काफी नाराजगी जाहिर की, जहां कुछ फैंस का बोलना था कि सुरेश रैना अगर आईपीएल में नजर नहीं आए तो वो आईपीएल देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि रैना आईपीएल के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक है। फैंस की इस दीवानगी को देखते हुए अब जो फैसला लिया गया है वो किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। जी हाँ, दरअसल लोगों के बीच सुरेश रैना की दीवानगी देखते हुए न्यूज नेशन की टीम लगातार सुरेश रैना से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच न्यूज नेशन की टीम ने सुरेश रैना के पारिवारिक सदस्य से बात की और इस दौरान पता चला कि मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना एक बार फिर से इस लीग में एंट्री करने के लिए तैयार है और वो भी एक अलग अंदाज में। जी हाँ, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद रैना एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। अपने बल्ले से सबके छक्के छुड़ाने वाले सुरेश रैना अब आईपीएल 2022 में कमेंट्री करते आपको दिखाई देंगे और मिस्टर आईपीएल का साथ देने वहां मौजूद होंगे टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री। आपको बता दें कि भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के लिए 2020 के बाद ये पहली बार होगा कि वो किसी आईपीएल में नहीं खेलेंगे और 2 साल पहले उन्होंने अपने नाम खुद टूर्नामेंट और आपको बता दें कि 2 साल पहले उन्होंने अपना नाम खुद टूर्नामेंट से वापस लिया था। लेकिन इसके बाद 2021 में रैना को फिर से चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके की ओर से खेलने का मौका मिला। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ, नीलामी में किसी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा। वहीं मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले 35 वर्षीय रैना इस बार कमेंट्री करते आपको दिखाई देंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रैना भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री के साथ आईपीएल में कमेंटेटर की भूमिका में नजर आएंगे। आपको ये भी बता दें कि सुरेश रैना का साथ देने वाले रवि शास्त्री भी लंबे समय बाद कमेंट्री बॉक्स में वापसी करेंगे। वो 2015 से टीम इंडिया के साथ अलग अलग भूमिकाओं में रहे हैं। उन्होंने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद उनका बतौर कोच कार्यालय समाप्त हो गया था। उनके बाद राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का मुख्य कोच बनाया गया था। और अब बात करें रैना की, तो रैना एक वक्त में आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और यही कारण है कि सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स में चिन्ना थाला कहे जाने वाले रैना को ब्रॉडकास्टर किसी न किसी रूप में टूर्नामेंट में देखना चाहते थे। उनके नाम 205 मैचों में 5528 रन हैं। वो चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा गुजरात लायंस टीम के सदस्य रह चुके हैं और इसके साथ ही सुरेश रैना ने गुजरात की कप्तानी भी की थी। और जहां तक रवि शास्त्री की बात है तो उन्होंने 2017 में पिछली बार कमेंट्री करते हुए नजर आए थे। शास्त्री 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे। उन्होंने टीम इंडिया की कप्तानी भी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शास्त्री इस बार अंग्रेजी की जगह हिंदी में कमेंट्री करते आपको दिखाई देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक शास्त्री इस बार अंग्रेजी की जगह हिंदी में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। खैर, सुरेश रैना के आईपीएल 2022 में शामिल होने की जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अब साफ हो गई हैं। आपका क्या कहना है सुरेश रैना की आईपीएल में नई भूमिका में शामिल होने को लेकर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपकी कोई भी राय हो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।